Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss the types of flaps in oral surgery. So, what is a surgical flap? A flap is a, a unit of a tissue that is transferred from one side to another side while maintaining its own blood supply. So, the bl blood supply of a surgical flap remains intact while transferring from one side to another side. It means that the blood supply of a flap does not depend upon the recipient site. This is the basic definition of a surgical flap, and. There is a difference between a flap and a graft. What is that? The flap has its own blood supplies, as we said, while the graft depends entirely on the blood supply from the recipient site.

Because we will discuss the types of flaps considering both these factors. Now, come to the oral surgery, especially. The term surgical flap in oral surgery indicates a section of a tissue that is outlined by a surgical incision, carries its own blood supply. Allows surgical access to to underlying tissues, can can be be replaced in its original position, and and maintained with suture and is expected to heal. अब इसको, स्लाइड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हमने थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन की है उसमें हमने कहा है कि फ्लैप इज यूनिट ऑफ टिश्यू देट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू वाइल मेंटेनिंग इट्स ओन ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन से थोड़ा सा किया है यानी ट्रांसफर तो नहीं हुआ है लेकिन हमने सर्जिकल फ्लैप लिया है सर्जिकल एक्सेस के लिए इंसिजन दिया है उसको रिफ्लेक्ट किया है और वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजिशन में सर्जरी कंप्लीट होने के बाद हमने उसको सुचर कर दिया है तो इसका इसका जो मतलब है कि हम ओरल सर्जी में रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में हम इस वीडियो में भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो सर्जिकल एक्सेस के लिए भी फ्लैप लिया जा सकता है जो हम फ्लैप लेते हैं उसको रिफ्लेक्ट करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं तो ये हो गया फ्लैप का दूसरा पर्पस पहला क्या था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्जिकल डिफेक्ट यानी कि अगर हमने कोई सर्जिकल डिफेक्ट है उसको रिपेयर करना है उसको रिकंस्ट्रक्शन उसकी करनी है तो हम फ्लैप ले लेंगे और उस डिफेक्ट को हम रिपेयर कर देंगे रिप्लेस कर देंगे ठीक है और दूसरी जो डेफिनेशन है या दूसरा जो उसका पर्पस था सर्जिकल एक्सेस के लिए हमने फ्लैप लिया रिफ्लेक्ट कर लिया सर्जरी कंप्लीट करने के बाद हमने उसको अपनी जगह वापस कर दिया अब हम इन्हीं दो फैक्टर्स को इन्हीं दो परपसेस को यानी रिकंस्ट्रक्शन और सर्जिकल एक्सेस को लेते हुए हम आगे चलते हैं म्यूकोपेरियाल फ्लैप की तरफ आ जाते हैं ना है, है? है? आ जाते हैं थोड़ा सा इस डायग्राम को देखते हैं इट इज अ फुल थिकनेस फ्लैप होता है इट मीनस दैट द फ्लैप इंक्लूड्स द दर्फिस म्यूकोजा सब म्यूकोजा

कोई और चीज को रिमूव करना है तो पहले हम बोन को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है उस बी को रिमूव कर लेंगे या कोई पैथोलॉजी है पेरियेपिकल है इस एरिया में ठीक है तो हम उसको रिमूव करके इस फ्लैप को वापस ओरिजिनल पोजीशन में सुचर कर देंगे अच्छा नो वाय फुल थिकनेस फ्लैप्स आर नेसेसरी ठीक है तो सबसे जो पहला गोल है वो क्या है टू रिमूव आर रीशेप द बोन अगर हम वापस इसी डायग्राम में चले जाए ना तो इधर देखें कि इसका जो पहला गोल ये है कि हमने यहां पे अभी बात की कि हम सर्जरी करेंगे तो इस बोन को रिमूव हमें करना पड़ेगा तो इस बोन को जब रिमूव करेंगे तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है रिमूव टू रिमूव द बोन या लेटर ऑन हम इसको रीशेप करेंगे ठीक है ना सो दिस इज फर्स्ट गोल ऑफ अवर सर्जरी तो इसका मतलब ये कि अगर हम फुल थिकनेस फुल थिकनेस फ्लैप लेंगे तो क्या होगा कि हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम इजीली जो है बोन के ऊपर सर्जरी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू म्यूकोजल फ्लैप अगर आप म्यूकोजल फ्लैप लेंगे तो आपको फुल एक्सेस बोन के लिए नहीं मिल सकेगा दूसरा क्या है कि दिस पेरियास्टियम जो है दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन हीलिंग बिकॉज इट कंटेन्स बोन फार्मिंग सेल्टियो तो इसको जब आप रिफ्लेक्ट करोगे और स्लैप को रिपोजिशन तो भी अपनी जगह पर आ जाएगी ओरिजिनल पोजिशन में सो दिस ऑफ द बोन विल बी एक्सेस्टियम सो द सेकेंड फैक्टर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन ही

अच्छा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि यू नीड इस इस इसको आप क्लिनिकल पिक्चर को देखोगे देयर इज अस ब्लीडिंग बिटवीन द बिटवीन दिस पेरियास्टियम एंड द बोन यू कैन सी दिस इज अ दिस टिश्यू प्लेन बिटवीन द बोन एंड पेरियास्टियम रिलेटिवली ए The third point is torn split tissues he is more slowly compared with a cleanly reflected full thickness flap. Uh, the point that the tissue plane between the bone and periosteum is relatively avascular. So less bleeding is produced when a full thickness flap is elevated. देखें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फुल थिकनेस फ्लैप को जब एलिवेट किया है तो आपको यहाँ पे जो है रिलेटिवली वास्कुलर आ, एरिया नजर आ रहा है इसलिए आप आ, जब सर्जी करेंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा अब इनको आ, आप देख सकते हैं जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं कि वाई फुल नेसेसरी हमने पहला पॉइंट ये किया टू रिमूव आर रीशेप द बोन ये इसका पहला रीजन है कि हम फुल थिकनेस लेते हैं दूसरा क्या है हमने हीलिंग की बात की कि बोन हीलिंग जो है वो प्रॉपर होगी ठीक है वाइल रिफ्लेक्टिंग द फुल थिकनेस म्यूकोपेरियास्टियल फ्लैप उसके अलावा हमने तीसरी बात जो की थी कि टर्न स्प्लिट टिश्यू हीज मोर स्लोली एज कंपेयर टू फुल थिकनेस फ्लैप एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट द ए वास्कुलर Uh, field is available when uh, take the full thickness flaps. These are the four reasons why we take the full thickness mucoperiosteal flap. Now, what are the types of flaps? Uh, flaps uh, uh, come in many different shapes and forms. They range uh, from a simply you can say a skin or a mucosa to uh, composites of many different types of tissues, uh, for example, muscle, fat, and uh, fascia. Now <clears throat> we can classify the flaps based on type of blood supply. Number second is type of tissue to be transferred, location of donor site, and shape of flap. As we know, that the survival of a graft depends upon an adequate blood supply and a flap can maintain its blood supply in two main ways if the blood supply is not derived from a recognized artery then this is a random pattern flap many local flaps fall in this category if the blood supply comes from a recognized artery or a group of artery it is referred to as an axial flap most of the flaps uh, for example muscle flaps uh, palatal advancement or rotational flaps they are axial pattern flap because they contain a recognized vessel or a branch of it Vessel tissue to be transferred. Which type of tissue uh, is transferred in a flap? Uh, that may be one type of, of a flap. For example, skin, mucosa, fascia, muscle, or composed of different types of tissues. It is a composite flaps for example, a facial cutaneous radial forearm flap, myocutaneous pectoralis major flap, and osseocutaneous, that is a fibula flap. Location of donor site, local flap. The tissue may be transferred from an area adjacent to the defect. This is known as a local flap. It may be pedicle, advanced rotational uh, flap for example uh, this palatal uh, rotational flap that is based on a greater palatine vessels used for the oro fistula uh, reconstruction or repair uh, that is a local flap distant flap when the tissue is transferred from a distant site then this will be called as a distant flap distant flap may be pedicle flap it is transferred from the distant site but still attached to its original uh, blood supply and second is a free flaps

वहां से और टंग की रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज करेंगे तो जब हम डिटेज करेंगे तो उसमें हम हमारे पास आर्टरी भी होगी वेन भी होगी उसकी वेसल होंगी और हम टंग को फॉर एग्जाम्पल उसके मसल कारसिन उसमें, हाँ, उसमें को हमने रिमूव कर लिया है फिर हम उसको रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे हम उसको क्या करेंगे लिंगुअल आर्टरी और वेन के साथ इसको एनास्टोमोस कर देंगे माइक्रो वास्कुलर एनास्टोमोसिस जिसे कहते हैं या हम सुपीरियर थायराइड वेसल्स के साथ भी इसको कर सकते हैं ठीक है सो दिस विल बी नोन एज फ्री फ्लैप इसकी अपनी वेसल वेसल्स हैं उसको हमने एनास्टोमोसिस कर दी तो इसकी अपनी ब्लड सप्लाई आ गई नाउ हमने जो क्लासिफिकेशन में फोर्थ पॉइंट लिखा था वो था शेप ऑफ फ्लैप तो म्यूको पेरिएस्टियल फ्लैप जो ओरल सर्जरी में हम यूज करते हैं और बेसिकली किस लिए यूज होते हैं सर्जिकल एक्सेस के लिए यूज हो रहे हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं तो उनकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द शेप ठीक है तो बेसिक फ्लैप की जो टाइप्स हैं वो नंबर 1 है क्या है इनवेलप फ्लैप है थ्री कॉर्नर फ्लैप है फोर कॉर्नर फ्लैप है ठीक है सिमिलुलर फ्लैप है पेडिकल फ्लैप है फ्लैप्स क्रिएटेड बाई वाई एंड डबल वाई अब हम आ जाते हैं फ्लैप ठीक है अब इनवेला फ्लैप कैसा होता है ठीक है इसको अगर हम यहां पे डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो बड़ा आसान होगा ठीक है दिस टाइप ऑफ फ्लैप इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड हरिजेंटल इंसिजन इलांग द सर्वाइकल लाइंस ऑफ द टीथ यहाँ दोनों जगहों पे देखें ठीक है हरीजेंटल इंसिजन uh, दिया गया है ठीक है फर्स्ट मोलर से लेके यहाँ पे के नाइन की मिजियल एस्पेक्ट तक ठीक है इसी तरह यहाँ पे भी यहाँ पे फर्स्ट मोलर के डिस्टल से लेके यहाँ प्री मोलर एरिया था ठीक है दिस इंसिजन इज मेड इन द क्या है इन द जिंजाइवल सल्कस एंड एक्सटेंड्स अलोंग टू और मोर टीथ आपने जिस टुथ पे काम करना है ठीक है एटलीस्ट वन टुथ अवे तक आपने इसको एक्सटेंड करना है देखिए यहाँ डिस्टल साइड पे इधर ताकि जब आप इसको रिट्रेक्ट करें तो जो सर्जिकल फील्ड है वो आपके लिए इजीली जो है एक्सेसिबल हो ठीक है टिश्यू कनेक्टेड टू द सर्वाइकल लाइंस ऑफ दीज टीथ एंड इंटरडेंटल यानी यहाँ इसको ताकि रिफ्लेक्ट कर सकें ईजिली ये दूसरी डायग्राम है ठीक है यहाँ पे भी उसी तरह रिफ्लेक्ट किया गया इसमें नो रिलीजिंग इंसिजन यहां पे होता है ना एक रिलीजिंग इंसिजन उसमें नहीं है इसमें सिर्फ हरिजेंटल इंसीजन है जिंजायवल सल्कस में देते हैं ठीक है न जिनजायवल सल्कस में देते हैं और जिनजायवल मार्जिन के साथ ऐसे ठीक है एलॉन्ग द टीथ यहाँ पे दिस इज नोन इज एन एनवेलप फ्लैप ये देखिए क्लिनिकल पिक्चर है अच्छा यहां पॉइंट नोट करने का ये है कि आपने पेलेटल साइड पे जो एनवेलप फ्लैप देते हैं ठीक है थीके? जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्राइंगर इंसिजन तो एनवेलप फ्लैप आप दे सकते हैं पेलेटल साइड पे यहाँ पे ट्राइंगर इंसिजन जो है वो आप नहीं दे सकते यहाँ रिलीजिंग इंसिजन नहीं दे सकते ठीक है थीके? तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये दिस इज एन एनवेलप फ्लैप ऑन द क्या है पेलेटल साइड

जिन सल्कस हो गया और एक जो है हमारे पास अब्लिक इंसीजन है ठीक है या इसको आप वर्टिकल भी कह सकते हो ठीक है ये इंसीजन है इसी दोनों की कम्बिनेशन से क्या बनेगा थ्री कार्नर थ्री कार्नर कैसे बनता है वन देखो नंबर किए हुआ है टू ठीक है उसके बाद क्या है ये तीसरा है अच्छा इसमें एक और बात भी है कि वर्टिकल इंसीजन जो है ना आपने कहाँ देना है ठीक है वर्टिकल इंसीजन आपने लाइन एंगल पे देना है ये देखें ये इसका लाइन एंगल है ठीक है, लाइन एंगल से आप इसको ऐसे डाइवर्जेंट so ये हम अगले में जो प्रिंसिपल आफ, आफ है, उसमें बार डिटेल से करेंगे ठीक है तो यहाँ पे लाइनिंग लाइन एंगल से आपने रिलीजिंग डिसीजन देना है इस फेशल एस्पेक्ट या बक्कल जो है इस साइड पे नहीं देना यहाँ पे ठीक है ना यहाँ पे आपने नहीं देना और इसके भी हम अगले लेक्चर में डिटेल से इस पे बात करेंगे ठीक है तो दूसरा क्या है कि ये जो ट्राइंगुलर फ्लैप है ये ठीक है ना ये लेबियली और बकली आप इसको दे सकते हैं जो इन रिलीजिंग इंसिजन इसमें इंवॉल्व हो गया ना तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की कि पैलेटल साइड पे इसको नहीं दे सकते पैलेटल साइड पे आप एनवेलप फ्लैप सिर्फ देंगे ठीक है जबकि यहां पे बक्कल या लेबियल साइड पे आप ट्राइ एंगुलर फ्लैप ले सकते हैं ये एक और डायग्राम है ठीक है इसमें आप देखें रिलीजिंग इंसिजन ये है ये नजर ऐसे रिलीजिंग इंसिजन दिस इज नॉट रिलीजिंग इंसिजन ठीक है ये रिलीजिंग इंसिजन है ठीक है ये फ्लैप को रिफ्लेक्ट किया गया है अगेन लाइन एंगल से लिया गया है ठीक है और चलते हैं आगे ये देखें इसकी क्लिनिकल आ, वो पिक्चर है और यहां देखें आपको पेपेला बिल्कुल इंटेक्ट है यहां लाइन एंगल से लिया गया है पैपेला को डिवाइड नहीं किया गया है देखें एक आपने यहां इसके फेशियल एस्पेक्ट पे नहीं देना ठीक है दूसरा ये कि पेपेला के इस साइड पे लाइन एंगल से देना पेपेला के सेंटर में नहीं देना यू विल नॉट डिवाइड द पेपेला ठीक है नेक्स्ट जो है वो फोर कॉर्नर फ्लैप है ठीक है फोर

जबकि इसमें क्या है दो है ठीक है दोनों साइडों नहीं एक इस साइड पे एक साइड पे इसमें देखें नंबर भी देख लें कार्नर जो है इसको फोर कार्नर इसलिए कहते हैं ठीक है थीके? फोर कार्नर इसको क्यों क्या कहते हैं कि ये देखें वन टू थ्री और ये फोर आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ठीक है वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन लेना कहां से है वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन ऑलवेज एक्सटेंड फ्रॉम द लाइन एंगल नियर द इंटरडेंटल एंड नेवर टू द सेंटर, नेवर टू द सेंटर ऑफ द लेबियल बकल सरफेस ऑफ द टोक ठीक है सेंटर से यू नहीं लेना दिस इंश्योर्स द इंटेग्रिटी ऑफ दिकॉज इफ द इंसीजन वर टू बिगिन एट द आर टुथ कंट्रेक्शन आफ्टर हीलिंग वुड लीव द सर्वाइकल एरिया ऑफ द टुथ एक्सपोज ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि पेरियोडांटल जो हेल्थ है वो कंप्रोमाइज हो सकती है अगर हम लाइन एंगल की बजाय यहां से इंसीजन लेंगे ठीक है ना दूसरा यह है कि ये जो वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन है अगर आपने इस टूथ पे सर्जरी करनी है तो एटलीस्ट जैसे पहले कहा है वन टुथ अवे आपने वर्टिकल रिजीजिंग देने हैं ठीक है ये जो हमारे पास फोर कार्नर फ्लैप है दिस इज सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर स्पेशली वेन ट्राइंगुलर फ्लैप कोड नॉट प्रोवाइड इटिक्वेट एक्सेस अच्छा यहाँ भी एक पॉइंट क्लियर करने के आ, जो पुरानी बुक्स हैं और कुछ एग्जामिनर्स Uh, अभी भी पूछते हैं कंटेम्प्रेरी में भी इसको इस को शामिल किया गया है वो टू साइडेड और थ्री साइडेड फ्लैप देखें एक यहाँ पे जो यहाँ देखें तो आपको ट्राइंगुलर बेसिकली नजर आ रहा है ठीक है फ्लैप है और ये जो है वो क्या है फोर कार्नर फ्लैप है ये थ्री कार्नर है और ये फोर कार्नर है अब यहाँ पे एक हमने कहा कि हम आरजेंटल डिसीजन लेंगे एक जो है क्या करेंगे एक वर्टिकल रीजनिंग इसको आ, क्या कहा गया है इसको टू साइडेड ये एक साइड हो गया और इसका ये दूसरा साइड हो गया ठीक है यानी ये ये फ्लैप फ्लैप का का एक साइड हो गया और दूसरा ये का इस साइड के साथ आएगा ये दूसरा हो गया सो दिस इज अ टू साइडेड फ्लैप जबकि इसमें जो है उसके कितने साइड हो गए फ्लैप के ये वाला इधर आएगा एक साइड ये हो गया ये फ्लैप के जो दो साइड हो गए तो इस फ्लैप के कितने साइड हो गए वन टू और थ्री ठीक है ना ये थ्री साइडेड फ्लैप है ये टू साइडेड फ्लैप है ये जो क्लासिफिकेशन है या ये जो टाइप्स हैं ठीक है कि थ्री कार्नर को वो टू साइडेड कहते हैं फोर कार्नर को थ्री साइडेड कहते हैं ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करती है लेकिन यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई है ताकि किसी एग्जामिनर के आ, कोई अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लैप इज लूनर फ्लैप This flap is the result of a curved incision which begins just beneath the vestibular fold and has a bow shaped course with convex part. This is the convex part. This convex part towards the towards the attached gingiva. And this distance it is from the gingival margin to this incision. This distance is, must be 0.5, 5 centimeters. From the gingival margin so that the blood supply is not compromised. Uh, each end of the incision, each end of the incision must extend at least to one tooth over on each side. Both side. On each side of the area of the bone removal. The फ्लैप इज यूज इन एपिसक्टमीज एंड रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड रूट टिप्स ठीक है ना जहाँ आपको लिमिटेड एक्सेस चाहिए ठीक है लिमिटेड एक्सेस चाहिए वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है एपिसक्टमीज में यूज होता है आ, और दूसरा ये है कि इसका एक एडवांटेज ये है कि आपका जो अटैच है ठीक है जायल मार्जन है वो आपने कंप्रोमाइज नहीं किए तो इंटीरियर टीथ में जो है वो क्या है ये मतलब कॉमनली यूज आप कर सकते हैं लिमिटेड एक्सेस से तो एस्थेटिकली जो है आपके जिंजाइवल मार्जन जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हुए सर्जिकली ठीक है, है? आ, ये देखें एक और डायग्राम में आपको सेमिलर फ्लैप ये क्लिनिकल पिक्चर है ठीक है एपिसक्टीमी की गई है ठीक है यहाँ रिमूव की गई है सिस्ट पेरी एपिकली रीजन को यहाँ रूट नजर आ रही है ठीक है अ पेडिकल फ्लैप इज आल्सो अ फुल थिकनेस म्यूको फ्लैप दैट रिमेन्स अटेच टू द ओरिजिनल साइड बाय अ बेस ऑफ ए टिश्यू वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ flaps used for the closure of oroentral communication and uh, these are buccal advancement flap and a palatal rotational flap this is a typical four corner flap created buccally corresponding to the created buccally corresponding to the area which is to be covered यहाँ इस तरीके से दिया गया है इस और इंटरफेसुल को रिपेयर करना है ठीक है और अगर आप देखें तो फोर कार्नर इस तरह हुआ कि दो अब्लिक इंसिजन है ठीक है डेट डाइवर्ज अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड एक्सटेंड एस फॉर एस एक्सटेंड एस फॉर एस सॉकेट ऊपर की तरफ ठीक है ना जब ये फ्लैप ले लेते हैं ना तो अब इस फ्लैप को हम एडवांस करेंगे इसको क्लोज करने के लिए तो ये का जो है यहाँ तक क्योंकि हमने इसके इन इस एज को इधर हमने क्या करना है इसको स्विचर करना है अटैच करना है तो इसको अब हम क्या करेंगे बकल एडवांसमेंट इसको क्यों कहते हैं अब इसको अगली पिक्चर में आके फिर वापस आते हैं देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट किया गया है ना इसी तरीके से इसको रिफ्लेक्ट किया गया है ये आपको स्केल स्केल्पल नजर आ रहा है उसके अंदर ब्लेड नजर आ रहा है तो यहाँ आपने क्या करना है ट्रांसवर्स इंसिजन देना है ठीक है क्या करना है ट्रांसवर्स इंसिजन देना हल्का सा यानी हल्का सा किधर देना है पेरियास्टियम के ऊपर पेरियास्टियम को जब आप इंसाइज करेंगे ना हल्का हल्का यूं एक दे दिया एक यूं दे दिया एक यूं दे दिया फिर आप जब इसको जब ये इंसिजन दे देंगे दे 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 तो हम वापस अपनी उस पर आते हैं यहाँ आपने एक दे दिया दूसरा दे दिया तीसरा दे दिया अब जब आप इसको आगे की तरफ पुल करेंगे ना ठीक है स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा कि इस रिलीजिंग इंसिजन की वजह से क्या होगा ये एडवांसमेंट इसमें ये बक्कल एडवांसमेंट फ्लेम तो ये क्या होगा कि आगे की तरफ यहां तक पहुंच जाएगा इस एरिया तक तो आपने इस मार्जिन के साथ इसको इजीली सुचर कर देना है टेंशन नहीं आएगी अदरवाइज अगर आप रिलीजिंग इंसिजन नहीं देंगे ठीक है यहाँ पे रिस्ट्रे में ट्रांसफर जो रिलीजिंग डिजनज हैं वो नहीं देंगे तो यहाँ आपको जो सूचर आएंगे वो टेंशन में आएंगे टाइट आएंगे तो वो बाद में डिहाइसेंस हो सकता है ठीक है यानी आपका और जो रिपेयर है वो फेल हो सकता है अच्छा इसका एक डिसएडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज ये है कि आ, ये जब आप फ्लैप लेते हैं तो आपका जो ये जो वेस्टिबुलर डेप्थ है ये कंप्रोमाइज हो सकती है तो इसलिए ये डेंटेड पेशेंट के लिए तो ठीक है जैसे इस पेशेंट में दिखाया गया है लेकिन आपने आ, जो ईडेंचुलस पेशेंट हैं उनके लिए आपने फिर पैलेटल रोटेशनल फ्लैप हम जो थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे वो लेना होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे वेस्टिबुलर डेप्थ जो है वो कंप्रोमाइज इसमें होती है पेलेटल रोटेशनल फ्लैप और पेलेटल एडवांसमेंट फ्लैप दिस टाइप ऑफ फ्लैप हैज एडवांटेज इन

सप्लाई कर रही है ठीक है देखें इसकी बेस जो है वो छोटी है ठीक है छोटी तो है क्योंकि इसमें ये एक्सियल पैटर्न फ्लैप है एक्सियल पैटर्न फ्लैप है ठीक है यहाँ इसको रोटेट किया है ठीक है आफ्टर रोटेशन द फ्लैप इज प्लेस्ड और द ऑरिफाइस ऑफ द सॉकेट यहाँ पे जो ओरिएंटल कम्युनिकेशन हुई है ठीक है एंड वुंड मार्जिन्स आर इससे पहले हमने उसको वूड मार्जन को क्या है डिफ्राइट करना है और फ्लैप जो हम इधर लेकर आए हैं ठीक है ना इसको हमने बकलमिकोजा के साथ क्या है स्विचर कर दिया है ठीक है ना इस साइड में बकल कोजा के साथ किया है यहाँ इधर दो स्विचर आपको पैलेटल साइड पे भी लग रहे हैं अच्छा इसका क्या होगा जो आ, हमारे पास वूंड यहाँ से हमने इसको रोटेट किया है और पैलेट पे, पे जो वायर सा बन गया है ठीक है ना so addressing is applied for a few days at uh, the void created and healing is achieved by a secondary intention other types of flaps are the result of a y-shaped and double y-shaped incisions these flaps are used in surgical procedures of the palate mainly for the removal of exostosis. It is a torus platinus. Uh, y shaped incisions. An incision is made along the midline of the palate. Here you can see this is the midline. It's a midline, first base. In the midline of the palate and two uh, anterior lateral incisions. Uh, these are just interior to the canine. In this diagram, these are not shown exactly interior to the canine, but these are placed just interior to the uh, canine. Uh, this uh, flap is indicated in uh, surgical procedures involving the removal of small exostosis. Now, next incision is the double y uh, shaped incisions uh, this type of uh, flap is used in uh, larger uh, exostosis and is basically an extension of y-shaped incision and what is the difference that uh, there are uh, two more posterior lateral these are the these are the anterior lateral and these are the posterior lateral incisions made which are necessary for adequate access to the uh, surgical field. This uh, flap is designed such uh, that major branches of greater peritoneal artery are uh, not severed. So and this the flap is uh, has been reflected. This is the exostosis. These two are the anterior limb. This this one is the central area, so, and these two are the posterior lateral incisions.